नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का एग्ज़ाम अचीवमेंट में। मैं करुणा आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ वो प्रश्न जो कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, लेकिन उनको हमने पहले कभी नहीं पढ़ा होता है। इसमें अधिकतर उसी तरह के प्रश्न हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर पुराने हैं और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक कर लें। दोस्तों, मैं वादा करती हूँ कि इसी तरह से वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूँगी जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली हैं आपकी परीक्षा के लिए। और अगर आप इस तरह से अपनी परीक्षाओं की तैयारी करेंगे तो आप ज़रूर सफल होंगे। इसी के साथ दोस्तों, पहले प्रश्न पर आते हैं हम। टेलीविज़न मीडिया पर प्रचार की कीमत का क्या आधार माना जाता है? दोस्तों, ऑप्शन है समय, जगह, प्रोडक्शन या फिर रंग। तो दोस्तों, जितना बड़ा ऐड होगा उतनी बड़ी उसकी कीमत होगी। तो हम जाएंगे ऑप्शन ए के साथ, समय। ये TGT परीक्षा 2013 में पूछा गया है। सेकेंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ग्राफिक विधि किससे संबंधित है? ए मोजेक से, बी फ्रेस्को से, सी टेम्परा से और डी एचिंग से। तो दोस्तों, ग्राफिक का संबंध ईचिंग से है। फ्रेस्को भित्ति चित्रण विधा है, टेम्परा भी भित्ति चित्रण विधा है जो कि कलर को अपारदर्शी बना के की जाती है, और मोजेक मणिकुट्टिम कला है। हम चाहते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पर, जस्ते की चादर का प्रयोग किस तकनीक में होता है? ए लिनोकट, बी लिथोप्रिंट, सी ईचिंग और डी इंग्रेविंग। जस्ते की चादर दोस्तों, तो हम जाएंगे ऑप्शन सी के साथ, ईचिंग। लिनोकट एक रबड़ की शीट होती है, मोटी रबड़ की शीट होती है। लीथो एक पत्थर होता है, और ईचिंग के अंदर हम जस्ते की चादर या फिर जस्ते की प्लेट का प्रयोग करते हैं, और इंग्रेविंग भी एक प्रक्रिया है छापा कला की। क्वेश्चन नंबर 4, जल रंग चित्रण में पोत का प्रभाव किस कागज़ पर अच्छा उभरता है? जितना मोटा कागज होगा उतना ही जल रंग का प्रभाव अच्छा उभरेगा। हम जाएंगे ऑप्शन सी के पास। दोस्तों, ये TGT परीक्षा 2005 में पूछा गया प्रश्न है। मैं आपको बता दूं कि मैं जितने भी प्रश्न आपके लिए लेकर आई हूं इस सीरीज़ में, वो सभी पहले की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, वॉश तकनीक की रेखाएं भारतीय कलाओं से प्रेरित हैं, लेकिन तकनीक। दोस्तों, आप सभी ने पढ़ा होगा कि वॉश तकनीक को भारत में लाने का श्रेय जाता है अवनींद्रनाथ टैगोर को, जो कि भारतीय पुनः जागरण काल के प्रणेता भी माने जाते थे, और उन्होंने इस वॉश तकनीक को सीखा था जापानी आर्टिस्ट से जो कि 2 साल उनके पास रहे थे, उनके साथ उनके घर में। तो हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ, चीनी व जापानी। फ्रेंड्स, 6ठा क्वेश्चन है हमारा, जलीय रंग पेंटिंग को जल में कितनी बार डुबाना चाहिए? तो जितनी बार भी हम कलर यूज़ करते हैं उतनी बार हमें शीट को धोना होता है और सुखाना होता है। तो आवश्यकता अनुसार हम जाएंगे 6 पर, सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन रूपप्रद कला का तत्व नहीं है? तो कला के तत्वों की बात हो रही है। कला के 6 तत्व होते हैं, रेखा, रंग, रूप, तान, पोत, अंतराल। तो रेखा, रंग और अंतराल इसमें दिया हुआ है, सिर्फ कोलाज अलग है। तो हम जाएंगे ऑप्शन बी, कोलाज के साथ। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको ये बता दूँ कि कोलाज क्या होता है। तो कागज या कपड़े की कतरन के टुकड़े को जब हम कोई चित्र बनाने के लिए या फिर किसी धरातल के निर्माण के लिए प्रयोग में लाते हैं तो वो कोलाज कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहां बड़े आकार में कपड़े पर पबू जी की फड़ नामक चित्रकारी की जाती है। दोस्तों, पबू जी की फड़ के बारे में पहले मैं बात करूंगी। ये एक राजस्थान के लोक देवी या देवताओं पर आधारित कुछ लोक गाथाएं या फिर गीत होते हैं जो कि वहां के कुछ कलाकारों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं गली मोहल्लों में जाकर के।
और ये कागज पर लिखे गए होते हैं और उसी से संबंधित चित्र वहाँ पर बनाए गए होते हैं, तो इसलिए इसका संबंध होगा ऑप्शन सी राजस्थान से। अगर हम इसका डिस्क्रिप्शन चेक करें तो राजस्थान राज्य में बड़े आकार में कपड़े पर पबूजी का फड़ नामक चित्रकारी चित्रित की जाती है। पबूजी का फड़ एक प्राचीन पारंपरिक लोक कला है जिसे गायन के साथ प्रयोग किया जाता है। राजस्थान के राबरी आदिवासियों द्वारा पबूजी का फड़ नामक चित्रकारी का प्रयोग देवी देवताओं की छवियों का चित्रण करने में किया जाता है। पप्पू जी की कथा के फड़ पर लाल व हरे रंगों में चित्रित किया जाता है और भोप लोग उस कथा को लोक वाद्य रावण हत्ता पर गाकर वर्णन करते हैं। देखिए दोस्तों, कितनी सारी चीजें इसमें नहीं पता चली कि लाल और हरे रंग का प्रयोग किया जाता है इसको चित्रित करने के लिए, और रावण हत्ता एक वाद्य यंत्र होता है जिसके प्रयोग से पप्पू जी की फड़ को गाया जाता है, और ये कोई स्पेशली आदिवासी जनजाति का नाम दिया हुआ है राबरी आदिवासियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं फ्रेंड्स। किसी संरचना के प्रमुख दो तत्व क्या होते हैं? रूप और स्थान, वर्ण और बनावट, रेखा व आकृति, छाया व प्रकाश। तो दोस्तों, किनके बिना चित्रकारी संभव नहीं है? सबसे पहले धरातल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है और दूसरे नंबर पर कोई भी आकृति या रूप का होना जरूरी है। तो हम जाएंगे ऑप्शन ए के साथ, रूप और स्थान, क्योंकि इनके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स। A4 कागज का वास्तविक माप क्या है? तो इसको याद कर लेते हैं, ये जाएगा ऑप्शन ए के साथ, 201 से 297 मिलीमीटर। बाकी कागज की नाप भी यहाँ पर दी हुई है, आप उसे भी देख सकते हैं। ये A1, A2, A3, 5 और 0 सभी की नाप यहाँ पर दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन चित्रकला हेतु प्रयुक्त नहीं होता? ए हैंडमेड पेपर, बी कार्टेज पेपर, सी कैंड पेपर या फिर डी बॉन्ड पेपर। तो हम जाएंगे बॉन्ड पेपर के साथ, ऑप्शन डी। हैंडमेड, कैंट और कार्टेज तीनों का प्रयोग हम अपने चित्रकला में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, उत्कीर्ण छापा चित्र को क्या कहते हैं? ये TGT परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है फ्रेंड्स। इसके ऑप्शन है इनले, इंटन को, इंट्यूशन और इंटेग्लियो। तो सिर्फ इंटेग्लियो इसमें से ऐसी तकनीक है जिसका प्रयोग हम उत्कीर्ण चित्रण में करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड, एक मिनट, इंटेग्लियो का अर्थ है उत्कीर्ण, नक्काशी या कलमकारी। इसे सील मुद्रण भी कहा जाता है। इसमें तांबा या जस्ता प्लेटों में आकृति को उभारा जाता है या निश्चित भाग को दबाकर आकृति उत्कीर्ण की जाती है। ये है इंटेग्लियो का। एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी, अगर आपको ये समझ नहीं आया है तो। जो हम स्टैम्प यूज़ करते हैं कई बार, हमारे स्कूलों में भी होती थी और हम वर्किंग प्लेसेस में भी कई बार स्टैम्प का यूज़ करते हैं, तो इंटेग्लियो तकनीक पर ही बनी होती है। दोस्तों, इनले का अर्थ बता रखा है जड़ना या जड़ाव काम, जिसका प्रयोग मुख्यतः सुनार करते हैं। इन टनको का अर्थ है प्लास्टर। इसमें साधारण प्लास्टर पर विशेष अरिकताओं प्लास्टर चढ़ाया जाता है जिस पर चित्र का रेखांकन उतारा जाता है। और इंट्यूशन का अर्थ है फ्रेंड्स अंतर्ज्ञान, और अंतर्ज्ञान के बारे में बहुत डिस्क्राइब विवेचन कर रखा है किसने? क्रोचे ने, जो कि है कौन? पश्चिमी सौंदर्य शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 13, उत्कीर्ण कार्य किसके द्वारा संपादित होता है? ए चित्रकार, बी मूर्तिकार, सी वास्तुकार या फिर डी संगीतकार। तो हम जाएंगे ऑप्शन बी के साथ, मूर्तिकार। वास्तुकार भी उत्कीर्ण कार्य करता है पर मूर्तिकार की अपेक्षा कम करता है। किताब के पिछले सिरे मोटाई को क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगी कि ये TGT परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है और ये पेपर मैंने दिया था, ये पेपर मेरा क्लियर भी हुआ था, लेकिन फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन मैं गलत करके आई थी, और इसका सही आंसर है 4A, ऑप्शन ए, और मैंने इसका लगाया था स्पाइन।
और स्पाइन होता है पुस्तक का बाहरी किनारा, जैसे कि नीचे इन्होंने दिया भी हुआ है। दोस्तों इस चीज़ को पढ़ना ना भूलें, ये इसमें से भी हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, शीघ्रता से किया गया रेखांकन अथवा चित्रण कहलाता है ए कोलाज, बी स्केच, सी भित्ति चित्र या फिर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो हम जाएंगे शीघ्रता से किए गए रेखांकन को बोलते हैं स्केच, ऑप्शन बी के साथ। कोलाज दोस्तों आपने पढ़ा हुआ है, मैंने बताया भी है इससे पहले। तो कोलाज यहाँ पे क्या दे रखा है, कपड़े या कागज के टुकड़ों पर चित्रतल पर चिपकाकर तैयार की गई कलाकृति कोलाज चित्रण कहलाती है। भित्ति चित्र आपको पता है, भित्ति पर, दीवार पर, चार्ट पर, फलक पर स्थायी रूप से जो चित्र बनाया जाता है उसको भित्ति चित्र कहते हैं, जिसकी बहुत सारे माध्यम है, जैसे कि फ्रेस्को, टेम्परा, तेल रंग, पचिकारी, रंगीन चित्र। क्वेश्चन नंबर 16 है फ्रेंड्स, कागज की कतरनों से बनाए जाने वाले चित्र को क्या कहते हैं। अब इस पर बहुत ज़्यादा सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है, हम जाएंगे ऑप्शन सी कोलाज के साथ। क्वेश्चन नंबर 17 है, कोलाज चित्र का माध्यम क्या है, भूसा, बुरादा, गोबर या कागज की कतरन। तो हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ, कागज की कतरन, जैसा कि हमने अभी ऊपर के क्वेश्चंस में पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 18 है, इनका परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में महत्व है, किस चीज का, दूरी और निकटता का भी है, प्रकाश और रंग का भी है, विलयमान बिंदु और क्षितिज रेखा का भी है। तो हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ, उपरोक्त सभी। दोस्तों TGT परीक्षा 2001 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 19, एक मकान का अंकन परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के अनुसार होता है, तो रेखीय परिप्रेक्ष्य, हम जा रहे हैं ऑप्शन बी के साथ। मकान बनाने के लिए रेखीय परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया जाता है। परिप्रेक्ष्य क्या होता है दोस्तों, अगर समझ नहीं है तो फिर मैं थोड़ा सा बता दूं कि जिससे हमें किसी चीज़ के दूर या पास होने का आभास होता है, सीधे या टेढ़े होने का आभास होता है, मोटे या पतले होने का आभास होता है, वो परिप्रेक्ष्य के कारण ही होता है। क्वेश्चन नंबर 20, विज्ञापन के पितामह किसे कहते हैं। तो ऑप्शन बी डेविड ओगिलवी को हम विज्ञापन का पितामह कहते हैं। और आधुनिक विज्ञापन का पितामह किसे कहते हैं, तो वो है एल्बर्ट डेविस लास्कर। और इस तरह जो बाकी के तीन हैं, तो प्रहलाद कक्कड़ कौन है, प्रहलाद कक्कर भारतीय फिल्म विज्ञापन फिल्म के डायरेक्टर हैं, जिनको एड गुरु के नाम से भी जाना जाता है। और प्रसून जोशी भारतीय फिल्मों तथा एड फिल्मों के गीतकार हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा रंग आर्द्र माध्यम में प्रयोग नहीं किया जाता। तो टेम्परा में भी वाटर कलर का यूज़ होता है, वॉश में भी, और वाटर कलर में तो होता ही है। बचा क्या, पेस्टल रंग। और पेस्टल रंग कैसे होते हैं, जैसे जब हम छोटे बच्चे थे तो ऐसे वैक्स के छोटे छोटे से कलर का यूज़ करते थे, फिर उन्हीं को थोड़े सा बड़ी सी बत्ती के तरह आते हैं ये लोग, ये कलर राउंड में भी और चौकोर में भी, तो इसको हम पेस्टल कलर बोल देते हैं। विज्ञापन में शब्द कैंपेन कहाँ से आया। दोस्तों ये भी TGT परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है, और इसका आंसर है ऑप्शन डी मिलिट्री। और दोस्तों मैं इसे सही करके आई थी। क्वेश्चन नंबर 23, स्थिर मुख आकृति क्या होती है। दोस्तों इस क्वेश्चन पे मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ, क्योंकि मैंने स्थिर मुख आकृति अंडाकार पढ़ी है और यहाँ पर ये इसका कोई सा भी आंसर सही नहीं बता रहे हैं। तो मुझे लगता है स्थिर मुख आकृति अंडाकार होती है। बाकी इस टॉपिक पर हम आगे अच्छे से सर्च करेंगे और आपको बताएंगे कि स्थिर मुख आकृति क्या होती है। बाकी यहाँ पर जो इन्होंने डिस्क्रिप्शन दे रखी है, उसमें उन्होंने रूप के प्रकार और जो शेप है उनका भी जो महत्व है, उस शेप से जो निकल के आता है, जैसे वृत्ताकार का जो भाव है वो पूर्णता, गति और आकर्षण है, तो इस तरह से इन्होंने दे रखा है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, किस कला शैली में रेखीय प्रवृत्ति अत्यधिक प्रबल थी। शास्त्रीय कला में, रोमनस कला में, गोथिक कला में या फिर बाइजेंटाइन कला में। तो दोस्तों इसका आंसर है रोमनस कला शैली, ऑप्शन बी। इसके बारे में यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, आप इसको एक बार जरूर पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन के किस तत्व से जुड़ा रहता है। ए संतुलन से, बी अनुपात से, सी सामंजस्य या फिर डी सहयोग से। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए संतुलन से। दोस्तों इसको मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी
दृष्टिगत भार को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो आप समझिए कि आप एक कैनवास पर ड्राइंग कर रहे हैं और वो कैनवास आपने एक छोटे से स्टूल पर रख दिया है बनाने के बाद, और आपने उसमें क्या बनाया है, उसके एक सिरे पर आपने पीले रंग से एक गेंद को बना दिया है और दूसरे सिरे पर आपने एक गेंद को बना दिया है काले रंग से। तो जब आप उस छोटे स्टूल पर उसको रखकर दूर से अगर आप अपने उस कैनवास को देखेंगे तो आपको आभास होगा कि काले रंग वाला सिरे से वो कैनवास आपका नीचे गिर रहा है, गिरते हुए का आभास आपको होगा। तो ये होता है कि कलर के माध्यम से भार नजर आएगा, गहरे रंगों मतलब गहरे रंग में भार ज़्यादा रहेगा हल्के रंगों के मुकाबले, और इस चीज़ को हम दृष्टिगत भार भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 26। रोड्स के द्वारा किन रंगों की दृश्यानुभूति होती है? लाल, पीला, हरा, काला, काला, सफ़ेद, नीला, पीला। तो रोड्स के द्वारा हम देख पाते हैं सफ़ेद और काला। क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से कौन सी कला दृश्य कला के अंतर्गत आती है? काव्य, संगीत, चित्र या पाक कला। तो दोस्तों हीगेल क्लासिफिकेशन ऑफ आर्ट में 5 ललित कलाएं बताई गई हैं जिसके अंदर पाक कला नहीं है। तो सबसे पहले पाक कला को हम ऑप्शन से बाहर कर देते हैं। अब बचा काव्य और संगीत। तो काव्य और संगीत दोनों श्रव्य कला हैं, सिर्फ चित्रकला ऐसी है जो दृश्य कला है। दृश्य कला और श्रव्य कला, दृश्य मतलब जिसको देखा और सुना जा सकता है, और श्रव्य कला जिसको सिर्फ और सिर्फ सुना जा सकता है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 28। उत्तर प्रदेश में दृश्य कला गतिविधियों के लिए कौन सी सर्वोच्च संस्था है? तो हम जा रहे हैं ऑप्शन सी के साथ, राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 29 है फ्रेंड्स, सामान्य पेंसिल में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? ग्रेफाइट ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30। सबसे सॉफ्ट लेड मुलायम नोक वाली पेंसिल कौन सी है? जो इन्होंने ऑप्शन दिए हैं उनमें से, तो जितने ज़्यादा बी उतनी ज़्यादा सॉफ्ट और जितने ज़्यादा एच उतनी ज़्यादा हार्ड। तो सबसे ज़्यादा बी है डी में, 9B। तो सबसे ज़्यादा सॉफ्ट होती है हमारी, यहाँ पे आपको ये चीज़ इन्होंने एक्सप्लेन भी की हुई है। क्वेश्चन नंबर 31। सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी है? तो हम जाएंगे ए के साथ क्योंकि सिर्फ एच, और सभी के साथ या तो बी है या तो एच बी है। क्वेश्चन नंबर 32। लोक कला चित्रों का माध्यम क्या है? तो मिट्टी के रंग, या तो खनिज रंग, या तो गोंद लगे रंग, प्रकृति से प्राप्त रंग। क्वेश्चन नंबर 33। रंगोली मुख्य रूप से बनाई जाती है कहाँ पर? दीवार पर, जमीन पर, कैनवास पर, कागज पर। तो हम जाएंगे ऑप्शन बी, जमीन पर। और ये कहाँ की लोक कला है? तो महाराष्ट्र की लोक कला है, और हम महाराष्ट्र में इसको जमीन पर बनाते हैं, और हम यूपी वाले, सॉरी मुझे लगा सांझी की बात हो रही है, तो रंगोली जमीन पर ही बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। प्रसिद्ध लोक चित्रकारी मांडना किस प्रदेश से संबंधित है? तो हम इसी क्वेश्चन को अगर यहाँ पर पहले अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। रंगोली एक अलंकरण कला है जिसका भारत में अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम है। इसे उत्तर प्रदेश में चौकपूर्णा, राजस्थान में मांडना, बिहार में हैप्पन, बंगाल में लप्पन, महाराष्ट्र में रंगोली, तमिलनाडु में कोलम और उत्तराखंड में एप्पन कहते हैं। तो अब इन्होंने क्या पूछा है, मांडना। तो मांडना कहाँ कहा जाता है इसको? ऑप्शन बी, राजस्थान में। चौकपूर्णा लोक चित्रण कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश में। ज्यामितीय रूपाकारों का प्रयोग किस लोक कला में होता है? सांझी। दोस्तों मैं इसी सांझी की बात कर रही थी। उत्तर प्रदेश में हम सांझी कला को बनाते हैं और दीवार पर बनाते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर ये धरती पर भी बनाई जाती है। आल्पना तथा मांडना क्रमशः बंगाल तथा राजस्थान में प्रचलित एक अलंकरण कला है जो कि रंगोली का एक रूप है। रंगोली को उत्तर तथा दक्षिण भारत के राज्यों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। सांझी कला किस पर की जाती है? देखो दोस्तों, कागज पर तो मैं नहीं कह सकती कि वो कागज पर की जाती है, मैं जाऊंगी ऑप्शन बी के साथ, भूमि पर। अब यहाँ पर ए दिया हुआ है तो इस क्वेश्चन को भी हम डाउट पे रख देते हैं।
क्वेश्चन नंबर 38, इनमें से असंबंधित बताइए। रेखा, रंग, अनुपात और मूर्ति। तो मैंने अभी आपको छह तत्वों के बारे में बताया, रेखा, रंग, रूप, तानपोत, अंतराल, उसमें मूर्ति नहीं है। सादृश्य का अर्थ क्या है? उसके जैसा, यानी कि आकृति में समानता। क्वेश्चन नंबर 14, जापानी कला इकेबाना क्या है? तो ये है पुष्प संयोजन की कला, इकेबाना कहलाती है। और सूमिए यानी जापानी स्याही से बनाए गए चित्रों को सूमिए कहते हैं, और ये जापानी कला है। और 2000 वर्ष पूर्व जापान में ब्रश की सहायता से सूमी स्याही से जैन धर्म के चित्र बनते थे। स्याही से एक चित्र और बनते थे हमारे यहाँ मुगल कला में, शाह कलम चित्र जिनको बोला जाता था, और वो शाहजहाँ के समय पे बनते थे। दोस्तों, इसी के साथ मेरी ये 40 प्लस क्वेश्चन की जो सीरीज है वो यहाँ पर ख़त्म होती है। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आई होगी, आपको बहुत से इम्पोर्टेंट नए क्वेश्चंस पता लगे होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरी आगे आने वाली वीडियोस की जानकारी भी आपको मिले, तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।